भिंड 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से सर्वप्रथम मुकाबला करने वाली भिंड का गौरव वीरांगना अवंतीबाई की प्रतिमा का 28 वर्ष पूर्व ऐतिहासिक भूमि पूजन मुख्यमंत्री उमा भारती के द्वारा किया गया था। इस अवसर पर कई मंत्री, सांसद, विधायक मौजूद रहे थे, लेकिन वीरांगना अवंतीबाई की प्रतिमा राजनीति की भेंट चढ़ी और जगह के विवाद के चलते शासन प्रशासन में तालमेल नहीं बैठ सका और 28 वर्ष बीतने के बाद भी प्रतिमा नहीं लग सकी। इस बात से लोधी समाज खासकर नाराज चल रहा था। भिंड विधायक संजीव सिंह उर्फ संजू के द्वारा विधायक बनने के बाद वीरांगना अवंतीबाई की प्रतिमा लहार चौराहे पर लगाने के लिए भरकस प्रयास शुरू किए गए, लेकिन फिर वही जगह चिंतित होने के बाद भी नहीं लग सकी थी प्रतिमा। भिंड विधायक ने यह कमलनाथ सरकार के समय में इसकी आवाज उठाई थी, लेकिन सरकार गिर जाने के बाद फिर नहीं लग सकी प्रतिमा और जैसे ही भाजपा की शिवराज सरकार बनी, भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने पुनः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की और उनके साथ लोधी समाज के कई नेताओं का प्रयास भी शामिल रहा, जिसमें कोक सिंह नरवरिया, देवेंद्र सिंह नरवरिया भी शामिल रहे और आज इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। भिंड विधायक ने मुख्यमंत्री से बात कर भिंड पुलिस अधीक्षक एवं कलेक्टर से पुलिस लाइन के अंदर लहार चौराहे के समीप लगभग उसी जगह पर मंजूरी कराकर भूमि पूजन किया। भिंड विधायक ने कहा लगभग 20 लाख की लागत से प्रतिमा बनकर ग्वालियर में तैयार है, बहुत जल्द वीरांगना अवंतीबाई की प्रतिमा स्थापित करके उनका अनावरण किया जाएगा। इस अवसर पर लोधी समाज के कई नेता उपस्थित थे, जिसमें प्रीतम लोधी भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे और नगर पालिका सीएमओ ज्योति सिंह भी उपस्थित रही। कार्यक्रम के अवसर पर सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखा गया। विधायक संजीव सिंह ने कहा कि मैं झूठी बातें नहीं करता, यदि आज भूमि पूजन हुआ है तो बहुत जल्द प्रतिमा स्थापित होकर उसका अनावरण होगा। देखिए आज यहाँ पर जो 28 सालों से बहुप्रतीक्षित महारानी अवंतीबाई जी की जो प्रतिमा लगनी थी उसका आज भूमि पूजन का कार्यक्रम था। 28 साल पहले प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी ने यहाँ पर भूमि पूजन किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से अभी तक नहीं लग पाई थी। अब वो समय आ गया है कि यहाँ पर एक भव्य महारानी अवंतीबाई जी की मूर्ति लगाई जाए, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी उससे शिक्षा प्राप्त करे, उनसे जागरूकता हासिल करे और उन्होंने जो देश के लिए बलिदान दिया है उसके बारे में जान सके। भिंड से प्रदीप रजावत की रिपोर्ट।